हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुकू की वेज थाली में। तो आज मैं बनाई हूँ भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप अपने बच्चों को एक बार ज़रूर इसे बनाकर खिलाएं, वो इसे बार बार खाने की जिद करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ भिंडी, इसे मैंने इस तरीके से गोल गोल शेप में काट लिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसमें डालेंगे बेसन 1 से 1.5 चम्मच, अब इसमें डालेंगे 1/2 चुटकी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चुटकी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चुटकी चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, एकदम थोड़ा सा, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, आप जो खाते हैं वो तेल डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी को, जो हमने मसालों के साथ मिक्स करके रखा हुआ है। हम इसे इस तरीके से चला लेंगे, एकदम हल्के हाथों से चलाइएगा ताकि ये टूटे नहीं। और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक एक तरफ से पकाएंगे, फिर हम इसे 1-1.5 मिनट के बाद इसे चला लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से चलाइएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका रंग बदल रहा है। हम इसे फिर से इस तरीके से चला लेंगे। हर बार हम 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे बीच बीच में चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पक चुका है। अब हम इसे फिर एक बार चला लेते हैं। आप इसे बीच में 1-1.5 मिनट के बाद चलाते रहें ताकि यह जले नहीं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे भिंडी को निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल और तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें डालेंगे 1 कटी हुई प्याज और इसे भी हम मिला लेंगे। इसे भी बीच बीच में चलाते रहें। देखिए ये हल्का गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर और इसे प्याज के साथ मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, सिर्फ टमाटर को गलने के लिए।
और इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा टमाटर गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। और इसमें डालेंगे हम आमचूर का पाउडर आधा छोटी चम्मच। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। आमचूर के पाउडर डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए भिंडी हमारी कितनी अच्छी बनी हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।